नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन हो, इस पर काफी गंभीरता से काम शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते ममता दीदी दिल्ली में डेरा डाले हुई थी और आज राहुल गांधी ने एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की। तो चलिए देखते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दल के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में क्या क्या तय किया, उन्होंने क्या क्या बातें की, किस तरीके से उन्होंने आगामी चुनाव को देखते हुए स्ट्रेटेजी बनाई, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। दोस्तों आप पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दल के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की इस मीटिंग में 9 बजे से ही विपक्षी दलों के नेताओं का आना शुरू हो गया था। इसमें 14 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी साइकिल से संसद रवाना होते हैं और उनके साथ ही विपक्षी दलों के नेता भी साइकिल से संसद पहुंचते हैं। इस बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राजद, सपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, IUML, रेवोल्यूशनरी सोशल पार्टी, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस और लोकतांत्रिक जनता दल इस मीटिंग में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुई। इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का मकसद विपक्ष को एक साथ रखने की कोशिश के साथ साथ पेगासस जासूसी कांड जैसे मुद्दों पर संसद में सरकार की घेराबंदी करने के लिए रणनीति तैयार करना भी था। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा, मेरी नज़र में सबसे अहम चीज ये है कि हम इस बल को एकजुट करें। जितनी ज्यादा लोगों की आवाज एकजुट होगी उतनी ही ज्यादा ये प्रभावी बनेगी और बीजेपी RSS के लिए इसे दबा पाना उतना ही मुश्किल होगा। और ये भी माना जा रहा है कि वाम दलों ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए अपने तौर तरीके जो है उनको भी बदलने पर जोर दिया। हालांकि सभी विपक्षी दल इस पर सहमत नहीं है। विपक्षी दल पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से जासूसी के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने पिछले सप्ताह भी एक बैठक की थी, उसमें राहुल गांधी मौजूद थे। बाद में विपक्षी नेताओं ने एक बयान जारी किया। राहुल गांधी पेगासस मुद्दे पर शुरुआत से काफी आक्रामक है। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स को उनकी विपक्ष के चेहरे के रूप में उभरने की कवायद के तौर पर माना जा रहा है। पिछले हफ्ते राहुल गांधी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग के समर्थन में ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले हफ्ते दिल्ली में दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मीटिंग में राहुल गांधी भी थे और मुलाकात के बाद ममता ने ये कहा था कि हमने राजनीतिक परिस्थितियों, पेगासस और कोरोना जैसी स्थिति और विपक्ष की एकता पे चर्चा की और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भविष्य में इसके पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। लीडरशिप पे ममता ने ये कहा था कि अगर विपक्ष की ओर से कोई दूसरा चेहरा सामने आता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जब मामले पे चर्चा होगी तो हम इस पे फैसला करेंगे। तो ऐसी 2 हफ्ते में ऐसी जो मीटिंग हुई है उससे ये लगता है कि अब विपक्ष जो है एक कोई ऐसा फेस तलाश रहा है जो आगामी चुनाव में एक फेस की तरह वो उसे प्रोजेक्ट किया जा सके। दोस्तों आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।